वेलकम टू माई YouTube चैनल। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए वो है केक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने केक बनाया है पतीले के अंदर। मैं आज बेकिंग करूँगी विदाउट ओवन पतीले के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा स्पंज केक। ये हाफ कप है, इसकी मेजरमेंट होगी सारी। और 3 eggs लिए हैं मैंने। सबसे पहले जो इसके अंदर 3 eggs लेने हैं, एग वाइट्स को सेपरेट कर लेना है, एग योक्स को सेपरेट कर लेना है। तो जो एग वाइट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप जो हैं इस तरह से बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि इसके अंदर ये डबल अपने साइज़ में जो है वो डबल हो जाए। और इसके साथ जो है ना साथ साथ आप चीनी को भी ऐड करते जाएंगे। ये जो मेजरिंग स्पून्स आपको नज़र आ रहे हैं, मेजरिंग कप्स नज़र आ रहे हैं, इसका मैंने हाफ कप का जो है वो सारा लिया है कि हाफ कप शुगर जाएगी। और 3 eggs हैं, वो एग वाइट्स में अलग से बीट कर रहे हैं। एग वाइट्स को बीट करते हुए जो शुगर आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे हम इसके अंदर। और इतना बीट करना है कि अपने साइज़ में भी डबल, देखें वो कलर भी चेंज हो गया है, वो अपने साइज़ में भी डबल हो गई। ये जितना ज़्यादा एरियल फ्लफ़ी होगा उतना ज़्यादा आपका स्पंज लाइट बनेगा, डेंस नहीं चाहिए हमें। जो क्रीम केक का केक होता है वो बहुत ज़्यादा एरी होता है, लाइट होता है। ये वनीला एसेंस है, वनीला एसेंस हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने डाला है। ये बेकिंग पाउडर है और बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये भी 1 tablespoon बेकिंग पाउडर जाएगा इसके अंदर। हाफ कप की मेजरमेंट है सारी। ये 3 egg yolks हैं, वो मैं एग योक्स भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद हम लोगों को बहुत लो पे मशीन को चलाना है, क्योंकि जो हमने एयर एग वाइट्स के अंदर डाली है वो बिल्कुल भी जो है ख़त्म ना हो जाए, बैठ ना जाए। ये हाफ कप मैंने मैदा ले लिया है, फ्लोर ले लिया है। इसको आपने अच्छी तरह से छान के फिर यूज़ करना है, ऐसे ही नहीं इसको डाल देना, क्योंकि इसके अंदर भी लम्स होते हैं, फिर वो बैटर ख़राब कर देंगे। इसके बाद मशीन नहीं चलानी। ये वो छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसकी वजह से केक जो है हमारा ख़राब हो सकता है या ठीक हो सकता है। अच्छे तरीके से जो है इसका जो मेथड होता है कट एंड फोल्ड का होता है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको जो है फोल्ड करना है, कट करना है, देन फोल्ड करना है। इसके अलावा ये जो मोल्ड लिया है मैंने, ये घर का ही मोल्ड है। ये जो बाउल, हर किसी के घर में इस तरह का बाउल होता है। आप कोई भी बाउल ले लें, आप सॉस पैन ले लें, वट एवर जो भी आपके पास है, आप उस तरह का बॉल शेप का, किसी भी शेप का, आप ट्रायंगल शेप का भी ले सकते हैं, आप रेक्टेंगल शेप का भी ले सकते हैं। मैं ये गोल पिक बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने नीचे इसको सारा ग्रीस किया था ऑयल के साथ, उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर मैंने लगाया एंड देन मैं इसके अंदर ये बैटर डाल रही हूँ। बैटर देखें कितना लाइट है, और इसको इसी तरह से होना चाहिए। जितना बैटर लाइट होगा ना उतना आपका केक बहुत अच्छे तरीके से फूलेगा और बहुत लाइट बनेगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। अच्छी तरह से इसको टैप 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 कर लें, जितनी भी एयर है इसके अंदर वो निकल जाए, मीन्स जो बबल्स वगैरह जो बन जाते हैं वो निकल जाए। ये है पतीला जो मैंने लिया है, इसको प्री हीट करना है 5 minutes के लिए पहले। आप कोई भी पतीला ले सकते हैं, इस काम के लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि जो ख़राब पतीले घर के अंदर होते हैं ना वो लें। मेरे पास नहीं था कोई भी, मेरे पास ये नॉन स्टिक का था, मैंने यही ले लिया है। और इसको मैंने प्री हीट किया, उसके बाद इसके नीचे मैंने ये छोटा बाउल रखा है। आप कोई स्टैंड रख सकते हैं, आप चूल्हे का स्टैंड जो होता है वो रख सकते हैं, आप जो कुकी कटर्स मिलते हैं आप वो रख सकते हैं। डायरेक्ट मोल्ड को हमने पतीले के अंदर नहीं डालना, मोल्ड के नीचे कोई चीज़ होनी चाहिए। इस तरह से मैंने छोटा वो रखा है और उसके ऊपर फिर आप मोल्ड रखें, और उसके बाद इसको कवर करके 20-25 minutes जो है वो आप उसको कुक करें। 3 minutes जो है पहले उसको हाई फ्लेम पे कुक करें, और उसके बाद उसकी फ्लेम लो कर दें। मैं साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ। पहले 4 minutes के बाद मैंने आपको दिखाया, आफ्टर 10 minutes के बाद मैंने ये दिखा रही हूँ। तो वो देखें बैटर कितना ऊपर आ गया हुआ, पहले नीचे था। और कभी भी मोल्ड को हाफ से ज़्यादा फिलअप नहीं करते, क्योंकि ये राइज होता है, राइज हो के भी वो ज़्यादा राइज होगा तो बाहर ना गिर जाए, दैट्स वाई इसको मोल्ड से नीचे ही रखते हैं। देखें ज़रा कितना ऊपर आ गया है हमारा जो बैटर है, वो राइज हो गया हुआ है और मोल्ड के ऊपर तक आ गया है। मैं आपको 10 minutes आफ्टर 15 minutes मैंने आपको दिखाया है साथ साथ, तो किस तरह से इसके अंदर बेक हो रहा है, और ये लो फ्लेम पे बेक हो रहा है। और इसको बार बार आपने कवर को, ढक्कन जो है इसको नहीं उठाना, अदरवाइज़ इसका टेम्परेचर ख़राब हो जाता है। आफ्टर 20 minutes यू कैन सी कि कितना ज़्यादा राइज हो गया हुआ है ये। अब ये वो हार्ड होगा।
अब इस स्टेज पे आप इसको चेक कर सकते हैं, स्कीबर डाले, मैंने ये छुरी डाली है बीच में और देखा है इसको, तो ये जो मेरी नाइफ है वो बिल्कुल क्लीन निकली है। अगर इसके साथ कोई भी पार्टिकल्स केक के लगे होते तो इट मींस कि ये अभी अंडर कुक है, इसको अभी और कुक करना है। वो ये जो निशान है ये मैंने छुरी के लगाए हैं। आप कोई भी स्कीवर डाल के इसको चेक कर सकते हैं, कोई भी बारीक सी कोई चीज़ डाल के, फोक डाल के आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये फोक जो है क्लीन निकल रहा है। अगर उसके ऊपर केक के कुछ ज़र्रे लगे हुए हैं इट मीन्स कि वो अंडर कुक है, उसको और कुक करना है। और बार बार आप इसको चेक नहीं करेंगे, अदरवाइज़ इसका टेम्परेचर ख़राब होगा, टेम्परेचर ख़राब होने की वजह से केक बैठ जाएगा आपका, तो बार बार नहीं चेक करना। इस तरह से अब आप इसको डीमोल्ड कर लें। आप कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, मैं फिर कहूँगी ये मैंने घर की बिल्कुल बेसिक चीज़ों के साथ बनाना इसके अंदर बताया है कि पतीले में आप कितने आराम से केक बना सकते हैं और घर के ही किसी बाउल में आप केक बना सकते हैं। और मैंने सारा बीच में आपको चेक करना भी बताया किस तरह से चेक करना है। बेहतर होता है अगर शीशे का कवर होगा ऊपर, तो फिर वो ईज़िली आपको नज़र आता रहेगा केक का सारा। ये देखें कितना ज़बरदस्त था, इतना सॉफ्ट, इतना फ्लफ़ी है ये केक। और ये क्रीम केक है, ये फ्रूट केक नहीं है। फ्रूट केक के अंदर जो है वो जाता है मक्खन जाता है फ्रूट केक के अंदर मक्खन जाता है, इसके अंदर मक्खन नहीं जाता है, वो डेंस हो जाता है फिर केक। तो ये ऑयल और मक्खन के बगैर है और ये क्रीम केक है। आप किसी की बर्थडे पे इसको, मैंने इसको इसलिए नहीं सजाया क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी, उसके अंदर जो है मैं आपको बनी केक बना के, इस केक से, राउंड केक से मैं आपको बनी की शेप वाला केक बनाना बताऊँगी। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तो ये मैंने सिंपल सा एक केक आपको बना के बताया, डेकोरेशन इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।